ओके पे तो आम देखी आमर एसी पावर मेजर करने आम कौन कौन आम आजमसन नहीं एवं देखा आम से आजमसन न ना आमर हूँ मेन आजमसन कौन नहीं आमर यहीटा हो पाए आम भोल्टेज ड्रॉप इन करंट कॉइल आम नेग्लिजिबल हो पाए बुझे नो डाउट किंतु आम प्रेसर कॉइल नहीं इंडक्टेंस इफेक्ट इज जीरो और नेग्लिजिबल से संभव नुहे दिस इज नॉट पॉसिबल ओके सो आम देखा से इफेक्ट ना इफेक्ट नहीं आम तापर फर्दर प्रोसेस करवा ओके तो इफ वी कंसीडर इंडक्टेंस इफेक्ट ऑफ प्रेशर कॉइल हेला तो आई आम कि एरर आसे बुझेगा तो आम जो टर्क इक्वेशन फाइंड कले कौटा आई वन और आम कहीं पार आई सी डट भिपी बाय आरपी कॉस फाइव डीएम बाय डी थीटा दिस टर्क इक्वेशन आम कही पार दिस इज द ट्रू पावर पाई ट्रू पावर तमें सेटा ही हबा कथा बुझेगा आम से ही हबा कथा बुझेगा कितु आम से नई आउ कि होम कौन एरर आसूसी तो सही कौन पाई ड्यू टू दिस इफेक्ट बुझेगा कही पार एक फास्ट पाई ड्यू टू दिस इफेक्ट सम एरर विल अराइज इन द टॉप इक्वेशन एंड इन पावर मेजरमेंट एक कथा ओके तो आम देखा से एरटा कौन से एरटा केमी ओवरकम करवा ओके नेक्स्ट वन मन पकाओ आम जो फेजर ड्र करते सहीटा कौन ऑन द बेसिस ऑफ द आजमसन तो फर्स्ट आजमसन आम ठीक अच्छे कि असुविधा ना सेकेंड आजमसन नहीं से कौन करवाटा कन्सीडर करवा ना आम लिखे लिखले कौन आम से आजमसन आजमसन न होगा द्वारा आम कौन एर आसम से देखा है दे द फेजर डायग्राम कौन आसब देख और ड्र कर फिगर ड्र करी ओके ड्र कर दूची ओके तो आम कौन फास्ट क्वेश्चन कौन एक्स एक्सपी इज इक्वल टू जीरो कितनी आम आरपी नहीं पार एंड एक्सपी भी ना दीरा ना है वोल्टेज भिपी एंड द करंट इज आईपी आर करंट हूँ आई सी आर करंट हूँ आई एल ओके और वोल्टेज हूँ भि एल ओके दिस मच तक देख आम ये कौन कले एक्सपी इज इक्वल जीरो एक्सपी इफेक्ट अच्छी तो आम नहीं पारा जेड पी इक्वल टू द प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस कही पार प्रेशर कॉइल इंपीडेंस ओके प्रेशर कॉइल इंपीडेंस प्रेशर कॉइल इंपीडेंस आम के आसव आरपी स्क्वायर प्लस एक्सपी स्क्वायर रूट ओवर ओके जानी थी नेक्स्ट वन आम यदि आर ड्र कर फेजर के फेजरटा दिस वन इज आरपी एंड एक्सपी इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सपी एंड दिस वन इज द वेक्टर सम ऑफ दिस टू पैरामीटर दिस इज जेड पी एंड द एंगल इज बीटा ओके अच्छा देख आम ए केस ड्र कर फेजर डायग्राम तो केमी आसव दिस वन भि एस और भि एल सेम जिन किंतु ये कौन आम ये इंडक्टेंस इफेक्ट नहीं प्रेशर कॉइल तो प्रेशर कॉइल वोल्टेज कौन कर प्रेशर कॉइल करंट कौन कर वोल्टेज को किसी एंगल ले लैग कर से एंगल के सेम एंगल बीटा हाँ कि नहीं सेम एंगल बीटा जैसे लैग कला दिस इज आई पी ओके और आम कहीं पार दिस इज आई टू नहीं आम कौन नहीं आई पी नहीं और आई टू नहीं दिस इज आई वन नहीं तो आम आई टू ना एंड दिस एंगल इज बीटा सेम एंगल हाँ कि नहीं ओके नेक्स्ट वन दिस वन
इज आई सी और आई वन एंगल के टोटाली फाइव देखा समस्त मैंने देखा जाए दिशु ओके फाइव अच्छी है एंगल के आसला एंगल के आसला फाइव माइनस बीटा है तो मुझे लिखुच टर्क इक्वेशन लिखुची टर्क्यूशन प्रथम के लिखुची टी डी लिखुच टी लिख इनिशियल के आई वन भि पी बाय आर पी कॉस फाइव डीएम बाय डी थीटा दिस वन इज ट्रू पावर पीट लिखुची ट्रू पावर ओके आम आजम कर जानी हूँ एक्चुअल ट्रू पावर एक्चुअल से हवा कथा कि हूँ नहीं तुम देख ये कौन लिखा आई वन आई टू हाँ कि नहीं आई वन आई टू कहे कि दिस कर आई वन आई टू है सेम जिन तो ये आम आंगेल के आंगेल के फाइ एंगेल थी द आंगेल बिटवीन द टू कॉइल टू कॉइल करंट आम से फाइ थी कि देखा के माइनस बीटा हाँ कि नहीं कहते फाइ माइनस बीटा देन डी एम बाई डी थीटा इक्वल टू पी एम दिस इज द मेजरिंग पावर बुझेगा तमें आम वार्ड मीटर रे आम ए इफेक्ट पाइबा एंड अल्सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टर्क आम तो कहवा दिस इज द मेजर मेजरिंग पावर और दिस इज द एक्चुअली पावर जो मेजर करुचे वार्ड मीटर रे कि यहाँ कौन आजमसन द्वारा ड्र करते हूँ ट्रू पावर एवं देख आम ये कौन चेंज है सब ठीक अच्छी आम आई टू में भी आर पी ठीक अच्छी असुविधा नहीं सरी टे चेज हम कि देख आम कौन चेज हो अच्छी किसी आपको ए ए कौन से लिखु दौर लिखुची प्रकार नहीं किसी आई लिखुची है चेंज करवा देख आम ये क्वेश्चन भेजे आम कौन चेंज आसली शब्द सामान अच्छी क्या फाइव चेंज हो फाइव माइनस बीटा है तो ये कह आम कौन ये फाइव थी तो फाइव से आंगेल कौन है सब्ट्रैक्ट तर कौन है दिस आंगेल इज रिड्यूस्ड हाँ कि नहीं तो कस मन पकाओ आम कस जीरो कहे के वन कस नाइंटी कहले 90 कस 90 कहला मैं कहते जीरो हाँ नहीं आम कौन जब आंगेल बढ़ुच कसरे देन ह्वाट हापेन आंगेल बढ़ले आम भैल्यू कमुच और आंगेल कमिले भैल्यू बढ़ुच आंगेल कमिले भैल्यू बढ़ुचार जब आंगेल कमला देन ह्वाट हापेन दिस भैल्यू टी डी इनक्रीजेस हाँ कि नहीं टी डी इनक्रीज हेल्ले कौन हम मेजरिंग पावर भी इनक्रीज हम बुझेगा तमें जो ट्रू पावर रू आम अधिका कौन करे आम मीटरटा कैलकुलेट कर भाव आम जो आम वाट मीटरटा जदि अधिक पावर मेजर कर पावर तो आम लाभ कौन अच्छी लाभ किसी ना तो यहाँ हूँ एरर यहाँ हूँ एरर है तो आम आउे लिखिदे इक्वेशन के लिखुची देख देख आपको आउे लिखुची टी डी के लिखा लिखुना चेज कर दूस खाली तुम चेज तुम क्या आउे लिख तब आउे टी डी ये आउे लिख है कौन लिखा आम भि पी बाय आर पी हाँ नहीं तो ये क्वेश्चन एक्शन करुच्ची इन दिस फॉर्म लिखुची आई वन आई टू कहते ये आई टू कहले कहते भि पी बाय जेड पी कहीं आम ये एक्स पी को कनसीडर करे आम सहित कौन आसो जेड पी आस जेड पी कॉस फाइव माइनस बीटा इंटू डी एम बाय डी थीटा ओके समझ देख मुझ जेड पी को लिखी आर पी जेहतु मैं यहाँ बीपीएस बीपी अच्छी आई वन आई वन ये कौन आम देखे आंगेल चेंज होगा कि आर पी जेड पी अच्छी आम चेंज करवा आम कौन जेड पी रिप्लेस कर बाय आर पी के आसब तो कॉस बीटा के कॉस बीटा इज इक्वल टू आर पी बाय जेड पी तुम जेड पी के आसो जेड पी इज इक्वल के आसब आर पी बाय कॉस बीटा हाँ ना आर पी बाय कॉस बीटा तो मुझे जेड पी को रिप्लेस कर बाय आर पी बाय जेड बीटा है मुझे लिखी दूसरा जानते समस्ते कमी आम जेड पी के आसा जेड पी इज इक्वल टू आर पी बाय कॉस बीटा तो मुझे लिखिपरि आई वन भि पी डिवाइडेड बाय तो जेड पी बाय जेड पी कह आर पी बाय कॉस बीटा कहे कौन हम तर आर पी रहा उपरू कॉस बीटा कौन है कॉस बीटा डट कॉस फाइव माइनस बीटा दाग है कि इज इक्वल टू आई वन भि पी डिवाइडेड आर पी कॉस बीटा हाँ नहीं कॉस बीटा तले ऊपर पड़े देन कॉस फाइव माइनस बीटा डीएम बाय डी थीटा
हैला एबे देखो हमर ए इक्वेशन और ए इक्वेशन टा प्राय समान हैला तबे हमर कोन डिफरेंस अछि दिस वन एंड दिस वन हैला त हमर एटा हमर होछि एक्चुअली द मेजरिंग पावर दिस इज द ट्रू पावर हैला किंतु हमर दरकार कोटा हमर हमर दरकार एटा हमर ट्रू पावर दरकार हमर दरकार एटा दरकार नै त हमर एबे आसीबे त करेक्शन फैक्टर द करेक्शन फैक्टर द करेक्शन फैक्टर तम करेक्शन फैक्टर कले सेही फैक्टर और सेही गोटे टर्म जो टर्म को हमें पीएम से मल्टीप्लाई करले हम पाइबा पीटी बुझला हमर पण एडा हमर मेजरिंग मेजरिंग ना तो मेजरिंग साइड तो हमें करेक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई करले हम पाइबा पीटी त माने पीएम इनटू करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू पीटी और हम कहि परबा करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू पीटी बाय पीएम तो पीटी करेंगे तो हमारा एटा पीटी तुम देखो हमारा पीटी डिवाइड बाय पीएम पीटी डिवाइड बाय पीएम कौन हम कौन होगा आई वन आई वन कैंसिल हो जाएगा वीपी वीपी कैंसिल हो जाएगा आरपी आरपी कैंसिल हो जाएगा डीएम बाय डी थीटा कैंसिल हो जाएगा कहला के cos फाई बाय cos फाई मैं अब देखो नहीं तुम ये कैंसिल कर पड़ेगा देखिए cos फाई बाय cos बीटा डॉट cos फाई माइनस बीटा तो हमारा एटा हो जी द करेक्शन फैक्टर cos phi by cos beta into cos phi minus beta ओके तमर एरर कौन आसीबो दिस एरर फार्मूला देन एरर एरर होची pm minus pt डिवाइडेड बाय pt इन परसेंटेज पहले इनटू 100 तब आउ कम लिख परबा pm by pt minus pt by pt तब 1 रहला केता बसबो 1 into 100 और पर लिख परबा और लिख परबा pm by pt करे केते हमरो pm by pt करे केते हां कि नहीं केता आसीबो pm by pt करे केता आसीबो pm by pt 1 by करेक्शन फैक्टर हां कि नहीं pm by pt करे केता आसीबो 1 by 1 by करेक्शन फैक्टर ना लिख परबा 1 by करेक्शन फैक्टर माइनस 1 इनटू 100 तो हमर एरर पाई हमर तीनटा प्रॉब्लम यूज कर परबा pm - pt / pt 100 pm / pt - 1 इनटू 100 और 1 by करेक्शन फैक्टर माइनस 1 इनटू 100 ओके हमर एला एरर कि देखो हमर दरकार कोन नाही हमर कि हमर इंडक्शन इफेक्ट हमर दी नेग्लेक्ट करि परबा ताहर हम प्रेशर कॉइल हम इंडक्शन इफेक्ट को नेग्लेक्ट करि परबा देन हम कोन पाइबा देन हम पाइबा pt इज इक्वल टू pm इफ वी कैन नेग्लेक्ट द इंडक्टेंस इफेक्ट तमे इंडक्टेंस इफेक्ट को केमिति नेग्लेक्ट कर परबा बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटर इन पैरेलल विथ दैट कॉइल ओके दैट can be obtained by connecting a capacitor agnai am capacitor effect just reverse to the inductance effect capacitor parallel to that coil hala to ame gote capacitor lagita parallel to the coil then lagi paiba then ame kon paiba pn is equal to pt तो कैपेसिटर फार्मूला कौन लिख पर डेरिवेशन दरकार नहीं तो कैपेसिटर फार्मूला कौन हम कितने कैपेसिटर लगे पाए कि जानवा तो आकलन फार्मूला कैपेसिटर फार्मूला कौन आर सी इज इक्वल टू पॉइंट फोर वन एल पी डिवाइडेड बाय आर पी रा स्क्वायर दिस इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटर एलपी कहले कौन हमारा प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस आरपी कहले प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस 0.4 एम द कांस्टेंट तो हमें यदि एही हिसाब रे त माने हमें प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस मेजर करबा तो सेही हिसाब रे हम कोन करे कैपेसिटर लगाइबा इन पैरेलल टू दैट प्रेशर कॉइल देन हम कोन करबा हम इंडक्टेंस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर करबा जो जहां दर हम कोन हबो हमें pm = pt पाइ करबा त माने हमर ट्रू पावर हम जहां मेजर कोन
आम आजुम करें से पावर टा पाई आम रिडिंग ओके तुम ये सर बेसिक सिंगल फेज एसी पावर मेजरमेंट दिस वन तापर देखे नेक्स्ट क्लास द मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर ओके थ्री फेज एसी पावर नॉर्मली थ्री फेज कल एसी पावर ओके थैंक यू।